हमने पिछले पार्ट में देखा कि मिक सभी के साथ उस बच्चे को छोड़ने के लिए जाने लगता है। वह एक रेगिस्तानी रास्ता से जा रहा होता है, तभी मिक सभी के साथ एक बड़ी दीवार के पास पहुंचता है। डुक पक्षी सभी से कहता है कि यह ग्रैंड उल्फ चाइना है, और डुक बेबी पांडा को लेकर उड़कर दीवार के उस पार चला जाता है और मिक सभी जानवरों को उस पार फेंक देता है, लेकिन वह अकेला ही इस पार रह जाता है। इसीलिए वह एक लकड़ी पर दूसरी साइड खड़ा हो जाता है और वह दूसरी साइड डुक पक्षी से एक पत्थर गिराने को कहता है। जब वह पत्थर को गिराता है तो वह उड़ते हुए उस पार चला जाता है। इसके बाद मिक बेबी को नीचे रख देता है, तभी बेबी पांडा टोकरी से उतरकर नीचे चलने लगता है। यह देखकर सभी जानवर बहुत ही खुश होते हैं, मगर तभी उनके पीछे से कुछ हाथी आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वह एक जगह जाकर छुप जाते हैं। और मिक सभी से कहता है कि हमें रात में रहने के लिए कोई जगह खोजनी होगी और अक्सर बेबी का ध्यान रखेगा। सभी सो जाते हैं और अक्सर बेबी को लोरी सुनाता है। बेबी पांडा अक्सर को पापा कहकर बुलाता है, तब अक्सर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, कल तक तुम अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाओगे। और यह कहने के बाद वो अभी सो जाता है। तभी अजगर बेबी पांडा को देख लेता है और उसे मिस्टर पांडा से बदला लेना था, इसीलिए वो बेबी पांडा को उठाकर अपने साथ ले गया। तभी मिक एक बुरा सपना सोचता है कि सभी जानवर उसे अपना डैड बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। तभी मिक देखता है कि बेबी पांडा वहाँ नहीं है, इसीलिए वह अक्सर को बेबी पांडा के बारे में पूछता है। तो अक्सर बेबी पांडा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वह उस पर गुस्सा करता है। तब डुक मिक से कहता है कि जब तुम्हें पता था कि अक्सर उसका ध्यान नहीं रख पाएगा तो क्यों तुमने उसके बच्चे को सौंपा। तब मिक उससे कहता है कि अक्सर के सिवा तुम लोग भी उसके बच्चे को ध्यान रख सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। और वह सभी से इस बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसकी वजह से सभी अलग अलग हो जाते हैं। यही जनूस अकेला जंगल में अकेला रह गया था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा डरने लगता है और वह फिर से पैरालाइज हो गया। तभी उसके अंदर का डर भी उससे कहता है कि तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हें छोड़कर चल गए, और उसे डराने लगता है। वही मिक अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था और कहता है कि मैंने एक फैमिली को मिलाने की कोशिश की, जो एक अच्छा काम है, और उसे लगा कि वह अब भी उस बेबी पांडा को ढूंढ सकता है, इसीलिए वह उसे ढूंढने जाने लगता है। अक्सर को भी यही लगता है कि इस बार उसी की ही गलती है, इसीलिए वह बेबी पांडा को वह अभी ढूंढने जाने लगता है। इसी तरह सभी जानवरों को लगता है कि वह अभी भी बेबी पांडा को ढूंढ सकते हैं, इसीलिए वह सभी भी बेबी पांडा को ढूंढने जाने लगते हैं। वही जनुस अपने डर से कहता है कि तुम हमें छोड़कर जल्दी से चले जाओ। अब मिक भी जनुस के पास आ गया था। सभी अब एक एक कर वहाँ पर मिल जाते हैं। तभी उनके पास कुछ बंदर आते हैं और उन्हें इशारों में समझाना चाहते हैं कि बेबी को एक बड़ा अजगर ले गया। उनके इशारों को अक्सर समझ जाता है और वह सभी से कहता है कि लग रहा है कि एक अजगर ने बेबी पांडा को पकड़ लिया है। तभी मिक बंदरों से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि अजगर बेबी को कहाँ ले गया। बंदर उन लोगों को अपने पीछे आने को कहते हैं। वही अजगर बेबी पांडा के पास होता है। अब इनके साथ आगे क्या होगा, यह जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। पार्ट 3।